सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के विभिन्न ज्वलंत मुद्दों पर दिए गए फैसलों को अभी तक सरकार ने लागू नहीं किया। आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के उन फैसलों के बारे में जिन्हें सरकार आज तक लागू नहीं कर पाई। फैसला नंबर एक, धर्म जाति के आधार पर राजनीति रोकना। प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर के नेतृत्व में 7 सदस्यीय पीठ ने 4-3 के बहुमत से 2 जनवरी 2017 को यह फैसला सुनाया कि धर्म जाति समुदाय के आधार पर वोट मांगना भ्रष्ट आचरण है। जो राजनेता इस आधार पर वोट मांगता है उसे किनारे किया जाए। सरकार और संसद को इस दिशा में पुख्ता संविधान संशोधन और कड़े प्रावधान करने चाहिए ताकि देश की राजनीति ज्यादा साफ सुथरी हो। फैसला नंबर दो, अपराधियों को राजनीति में आने से रोकना। 25 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट में प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के नेतृत्व में 6 सदस्यीय पीठ ने ये निर्देश दिया कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले अपने प्रत्याशी की सूचना का प्रचार एवं प्रकाशन राजनीतिक पार्टियां करेंगी। कोर्ट ने ऐसे प्रत्याशियों पर पाबंदी लगाने का काम संसद पर छोड़ दिया। चुनाव सुधार का यह काम भी देश की सरकार और संसद के लिए प्राथमिक होना चाहिए। फैसला नंबर तीन, पुलिस सुधार का फैसला लागू करना जरूरी। वर्ष 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस सुधार संबंधी ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। उसके बाद आदर्श पुलिस विधेयक भी बनाया गया था, लेकिन पुलिस सुधार की दिशा में अभी भी न के बराबर ही काम हुए हैं। पुलिस का भक्षक रूप सामने आता ही रहता है। सुप्रीम कोर्ट समय समय पर याद दिलाता रहता है पुलिस को सुधारने और उसे आम नागरिकों की सेवा में लगाने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। फैसला नंबर चार, सड़क सुरक्षा के दिशा निर्देश तत्काल लागू हों। नवंबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने सड़क सुरक्षा को गंभीरता से लेते हुए 25 दिशा निर्देश जारी किए थे, जिन्हें अगर लागू किया जाए तो सड़क दुर्घटना और उससे होने वाली मौतों को न्यूनतम किया जा सकता है। देश में अभी प्रति 3 मिनट पर एक व्यक्ति सड़क दुर्घटना में जान गंवा देता है। यह काम सरकार को अपने स्तर पर कर लेना चाहिए था, लेकिन कोर्ट के निर्देश के बावजूद कछुआ जाल अभी तक जारी है। फैसला नंबर पाँच, निजता अधिकार सुनिश्चित करना आवश्यक। 9 जजों की संविधान पीठ ने 24 अगस्त 2017 को एकमत से यह फैसला सुनाया था कि स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार का ही हिस्सा है निजता का अधिकार। हमारे देश में परिचय पत्रों का दुरुपयोग हो रहा है, सोशल मीडिया पर लोगों की निजी सूचनाओं का दुरुपयोग हो रहा है। इसे रोकना सरकार की जिम्मेदारी है। लोगों को भी एक दूसरे की निजता का सम्मान करना चाहिए। फैसला नंबर छह, महिलाओं को प्यार इनकार का अधिकार। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के नेतृत्व में 3 सदस्यीय पीठ ने हाल ही में यह फैसला सुनाया कि कोई भी किसी महिला पर प्यार के लिए दबाव नहीं डाल सकता। महिलाओं को इनकार का भी पूरा अधिकार है। महिलाओं को भी जीवन के सभी मूलभूत अधिकार मिले हुए हैं, वो गुलाम नहीं है। इस दिशा में बदलाव के लिए जागरूकता और शिक्षा का स्तर बढ़ाने की जरूरत है। फैसला नंबर सात, शिक्षा अधिकार मतलब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश शिक्षा मित्र मामले से जुड़े एक मामले में यह स्पष्ट किया कि शिक्षा का अधिकार का अर्थ है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकार। पूरे देश में इस फैसले को ईमानदारी से लागू करना चाहिए। अभी भी देश में ज़्यादातर बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित है। शिक्षा खानापूर्ति नहीं है, जरूरी है कि सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करे। न्यूज़ मीडिया टुडे के लिए सुरेंद्र शर्मा।